एक चीज और आपको बताता हूं मैं, यही उस समय की बात है जब मैं होटल का दौर मेरा खत्म हुआ था और मैं जगजीत अंकल के साथ बजा रहा था। तो दिल्ली में एक होटल है ललित, अभी बिल्कुल पहले पहले उसका नाम हॉलिडे इन हुआ करता था, अभी ललित है। बिल्कुल तो मैं नाम नहीं लूंगा बट आप समझ जाएंगे, एक प्राइवेट कॉन्सर्ट था और जितनी हिंदुस्तान में ज़्यादातर 80% इंडिया में जितनी 5 स्टार्स होटल्स हैं उसके जो नल वगैरह होते हैं ना, शावर नल और सब, उनके ओनर थे जिन्होंने कॉन्सर्ट वो प्रोग्राम अरेंज किया था। जगजीत अंकल के बहुत क्लोज मित्र हूँ, बहुत ही क्लोज, तो दोस्ती में हो जाता है ना कभी कभी कि चलो यार बोला कर देते हैं। तो मैं भी बजा रहा था, पहुंचे ऊपर होटल, नीचे लॉन में प्रोग्राम था, कॉन्सर्ट था, तो सब दारू वारू पी रहे थे। दारू पियो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है प्राइवेट प्रोग्राम है और सब दोस्त यारी है, अंकल के जगजीत अंकल के सारे दोस्त यारी थे। बट वो दारू स्टेज पे जब गिरने लगी तो मैंने वायलिन पैक किया, मेरा वायलिन पैक किया मैंने, पैक करके मैंने जगजीत अंकल को भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा, पैक करके मैं सीधा मेरे रूम में वायलिन लेके चला गया। 3-4 घंटे बाद मैं अपने रूम में टीवी भी देख रहा, सॉरी, खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, फोन ऑन करने थे वो किया, सारा काम अपने निपट गया। कुछ 3-4 घंटे बाद अंकल का मेरे रूम में फोन आया, जगजीत अंकल का, हाँ भाई क्या कर रहे हो? मैंने बस अंकल सोने की तैयारी, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, आज तो तुमने बहुत कमाल का बजाया। मैंने बजाया नहीं था ना, मैं पैक करके चला गया था, समझ गया। छेड़ तंज में बोल रहे, आज तो तुमने बड़ा कमाल का बजाया। मैंने अंकल बस आज बज गया कमाल का, ऐसा हर दिन नहीं बजता, मैं आता हूँ रूम में। मैंने आइए प्लीज आइए, रूम में आए, बोला ये तुमने आज क्या किया, तुम पैक करके चले गए स्टेज पर, स्टेज से। अंकल ये मेरी जिंदगी है, माँ सरस्वती है, वायलिन खाली वायलिन नहीं है, ये साज है, और जो भी थोड़ा बहुत हूँ इसके बदौलत हूँ, हारमोनियम या तबला या ढोलक या सिंथेसाइजर या वायलिन या गिटार, ये सब, इस सब में सरस्वती है, बिल्कुल और उस पे दारू गिरे अगर पियो, मैं पीने के लिए नहीं मना कर रहा, वो नाचते नाचते दारू गिर रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। अच्छा मैंने अंकल एक चीज़ बोलूँ आपको, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं दोस्ती यारी मत निभाओ, आप दोस्ती यारी निभाओ अलग ढंग से, हेल्प कर दो जो भी, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम मत करो, करते नहीं थे वो, कभी नहीं करते थे, मैंने इस तरह के प्रोग्राम मत मत करा करो। कुछ बोले नहीं मेरे को, हंसने लगे, जैसे हो वैसे रहना जिंदगी भर मेरे को बोलते हैं, मैंने जरूर, उन्होंने कभी नहीं किया प्राइवेट महफिल, कभी नहीं किया उसके बाद, कभी नहीं किया। तो आपको दीपक भाई, आपको लगता है कि आपकी जितनी शिकायतें होती थी जगजीत सिंह साहब से, या जो जो भी आपने अपनी बात रखी, उन्होंने आपको ये स्पेस भी दिया हमेशा कि आप अपनी बात रख सके, और आपकी बात को जहां भी उन्हें सही लगा उन्होंने माना भी। वो बहुत आसान था, वो कह सकते थे हो सकता है आप जितना गुणी वायलिन वादक उनको नहीं मिलता, दूसरा मिल जाता, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा आपकी कला की कद्र की। यहाँ वायलिन की बात ही नहीं हो रही सर, जी यहाँ बात हो रही है प्रिंसिपल की, एटिकेट्स की, मैनर्स, मैनर्स की, और अपना जो एक सबसे बड़ी चीज संगीत की, तो उसके ऊपर तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं है। वो सा को अगर बोलेगा कि नहीं बोलो तो मैं कभी मर जाऊंगा, नहीं बोलूंगा। तो वो था एक रिश्ता, और एक सर एक अजीब सा एक रिश्ता था हम दोनों का, अजीब सा रिश्ता था, बहुत झगड़ा हुआ, कुछ कुछ टूर्स ऐसे हुए हैं जिसमें महीनों महीनों भर हमने बात नहीं की एक दूसरे से, और स्टेज शेयर कर रहे हैं साथ में, वो भी हुआ है, सब कुछ काफी कुछ हुआ है, मतलब क्या बताऊं सर। अगर मैं डे वन से लेकर के 2011 तक कभी पैसे की बात नहीं हुई, कभी नहीं, और अगर कसीनो का हिसाब करूं मैं तो करोड़ों में, करोड़ों में इतना हारा हूं मैं, और वो
खेलने देते थे, खुद मेरे साथ खुद भी खेलते थे, उनकी बायोग्राफी में भी है मेरा ये, तो मैंने 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 जो बोला है, तो वो रिश्ता था नहीं सर हमारा, एक म्यूजिशियन एक सिंगर का रिश्ता नहीं था, एक दोस्त मेंटर बाप भाई सुख दुख का साथी, और चित्रा आंटी भी वैसी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे याद है मेरा स्लिप डिस्क हुआ था तो रात रात भर जगती थी वो मेरे लिए डोर पे, तो जो अच्छी चीज़ है वो हमेशा याद रखनी चाहिए लोगों की, और ये तो मेरा सपने में आते हैं अभी, सपने में आते हैं अभी जगजीत सिंह कभी कभी, सपने में क्या वो डेली साथ ही रहते मेरे एवरी डे, ही वो ही मैं उनके आगे वाज कभी नहीं लगाता, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज देयर विद मी, ट्रस्ट मी। तो अब अभी वो क्या सिखाते हैं, अभी वो उन्होंने डांटना वाटना शुरू किया है या अभी भी आप लोग का हंसी मजाक ही चलता रहता है? सर क्या बताऊं आपको, मैं लास्ट गजल जब चलती होती थी ना, चल रही होती थी कॉन्सर्ट में, लास्ट सेकंड लास्ट, उससे पहले आंखों आंखों में बात हो जाती थी किसके रूम में बैठना है, क्या मटेरियल आया है, कौन सा ड्रिंक है, हाँ कर दो ये कर दो, एक आदमी जाकर के सब ऑर्डर करके सेट करके रखता था, मतलब प्रोग्राम के बताऊंगा आपको मैं, वो जो डे वन पहले उन्होंने मुझे कहा था कि अपने लिए बजाना, अपने लिए गाना, अपने लिए म्यूजिक करना, ये मुझे सच्ची बता रहा हूँ, ये कुछ कुछ सालों से मुझे ये चीज़ रियलाइज हुई कि इसका मतलब क्या है। वो कहते थे जो टिकट लेके आते हैं ना 78% जो टिकट लेके आते हैं उनको कोई म्यूजिक से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए कि ओ यार लास्ट नाइट वी वेंट टू आई वाज देयर, आई वाज देयर, ही वाज देयर। तो मेरे को बाउंसर था वो सब चीजें, बोले वो जो धक्का मुक्की करके बैक स्टेज से जो आते हैं ना लोग, वो सही सुनकार होते हैं, उनको कदर होती है, और खास करके जो फ्रंट चार रो में बैठे होते हैं ना, उनको तो म्यूजिक से कोई मतलब ही नहीं होता, नॉर्मल ऑडियंस बोल रहे हैं, कलाकार नहीं, नॉर्मल ऑडियंस बैठे। तो ये मतलब काफी सारी चीजें ये कोशिश करता हूँ कि अपने इस जीवन में वैसे ही चलती रहे, और वो ही उसको मैं चेंज तो नहीं कर पाऊंगा। एक समय था कि बड़ा शौक था मुझे कि एज ए कंपोजर काम करूं, बहुत शौक था, वो नशा ऐसा उतरा मेरा कि पूछो मत, ऐसा उतरा मेरा नशा भाई साहब कि पूछो मत। तो जगजीत अंकल ने भी मेरी काफी हेल्प की, लेकिन वो जानते थे कि इस रास्ते पे इसको चलने दो, इसको मजा लेने दो, थोड़ा पता चलेगा तो फिर वापस आएगा। तो उन्होंने उनके सर्कल में तो खैर कौन नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कुछ बड़े लोगों को उन्होंने बोला कि बड़ा अच्छा काम करता है इसे कराओ। पहुंचा मैं, म्यूजिक सिटिंग हुई, तो जो डायरेक्टर साहब थे, एक बार और गाओ, क्या बात है, क्या ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइसली रिटन एंड वेरी वेल कंपोज, सब कुछ हो गया। एक बार गा दी, दो बार गा दी, तीन बार गा दी, चार बार गा दी, अभी गला दर्द होने लगा। अच्छा, मेरा वो नहीं है कि सिटिंग मतलब आप 40 म्यूजिशियन ले जाओ, वो मेरा तामझाम नहीं है। सिटिंग मतलब आपको कंपोजिशन सुननी है, वर्ड सुनने, वो हारमोनियम पर सुनो आप, वो उसके लिए तामझाम नहीं चाहिए, मैं इस तरीके से करता हूँ। तो खैर अब तो वो भी बंद कर दिया, अब तो ये है, ये लेके जाओ। एनीवेज, तो अब कोई चाय लेके आया तो उसको बिठा दिया, हाँ एक बार फिर से गाइए, तो एक्साइटमेंट फिर से गाया, फिर कोई फाइल लेके आया तो हाँ एक बार और गाइए, उसको बिठा दिया, फिर कोई फ़ोन लेके आया उसको बिठा दिया। तो मैंने बोला अभी साहब ऐसा है कि मेरे गला थक गया अभी मेरा, आपको जितने लोगों को बुलाना है एक साथ बुला लीजिए, मैं फिर से गा दूंगा, बट अभी मैं मेरा गला बंद हो रहा है। नहीं, आप समझते नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जब आप गाते हो तो मैं इनके रिएक्शंस देखता हूँ कि इनका रिएक्शन क्या है। मैंने आपको पता है ये आदमी कितना परेशान शक्ल से लग रहा है, ये जो फाइल लेके आया है, हाँ इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या चल रही है, मेरा गाना क्यों सुनेगा ये, या इस कंपोजिशन को क्यों सुनेगा वो, ये डिसीजन आपका है, आपको कैसा लगा? बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को पब्लिक का वो रिएक्शन देखना है कि उनको उनको कैसा लग रहा है। तो मैंने एक काम करिए, आप शिवाजी पार्क में मेरा एक प्रोग्राम रख लीजिए, 75,000 लोगों को बुला लीजिए वहाँ पर, और सबके रिएक्शन देखिए, उसके बाद फिल्म करेंगे। तो वो भड़क गए मेरे पे, भड़क, बहुत गुस्सा हो गए। बोले आपको बात करने का तमीज़ नहीं, वो बात करने की तमीज़ की बात नहीं कर रहा मैं सर, मैं आपको बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, आपको ठीक लग रहा है अगर, अच्छा लग रहा है तो फिर ख़त्म करिए ना। आप 10 लोगों को पूछेंगे, वो कुछ पूछा चाय लेके आया, उसको क्या म्यूजिक से मतलब है, नहीं यही लोग तो खुश होने चाहिए, तो मैंने इनके लिए फिर ऐसा म्यूजिक बनाओ आप,
लाल टमाटर टाइप का म्यूजिक बनाओ, है ना, फिर ऐसा मत सोचो ना कि सूफीज्म होना चाहिए, होना चाहिए, वो मत सोचो ना, फिर उनको मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। खैर मैं बात करते करते मेरा हारमोनियम पैक करने लगा, तो ये क्या कर रहे हो, मैंने बस हो गई सेटिंग, बस कर ली फिल्म, आइंदा से मैंने बोला मैं कभी नहीं आऊँगा आपके पास, ना आपको फ़ोन करूँगा कभी। खैर फ़ोन तो मैंने किया भी नहीं था, वो तो जगजीत जी ने कोऑर्डिनेट किया था। गया उससे पहले उन्होंने जगजीत अंकल को फ़ोन कर दिया था कि लड़का बदतमीज़ है और ये है वो है। अब अंकल मेरा नेचर बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि क्या हुआ होगा, तभी वो मेरे को बोल रहे थे जाके जाके देखो क्या होता है, ठीक है। तो मेरे को फ़ोन आया, हाँ भाई, मैंने हाँ अंकल हो गई सेटिंग, निकल गई सारी हेकड़ी, मैंने बस निकल गई सारी हेकड़ी, हंसने लगे, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो हर बात के बाद वापस एक बात बोलते थे कि जिस रास्ते चल रहे हो ना उस रास्ते ही चलना, भटकना मत, तो दुनिया कदमों में आती है तुम्हारे, अगर तुम स्ट्रांग होते हो ना और अपने काम पे तुमको अकीदा है, विश्वास है, और इसलिए मत काम करना कि इस काम से मुझे ये मिलेगा या ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, या उस वो कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए। डू योर वर्क प्रॉपरली, जो तुम्हारी औकात है, जितना तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है चीज, वो निकाल दो अपने अंदर से। समय को मत देखना कभी, घड़ी मत देखना काम करते समय। तो ये ऐसा बचपन से बैठा है पिताजी की तरफ से भी, मम्मी की तरफ से भी, जगजीत अंकल की तरफ से भी, कि मैं कितनी बार मैं मेरे जो साउंड इंजीनियर हैं सेतु रमन जी, एक टाइम था कि हम सुबह 11-12 बजे काम शुरू करते थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6-7 बज जाते थे और पता नहीं चलता था कि सुबह के 6-7 बज गए। कितनी बार मैं स्टूडियो में सोया हूँ, महीनों स्टूडियो में सोया हूँ, मैं घर जाता ही नहीं था। ये पागलपंथी ज़रूरी है सर, पागलपंथी नहीं, ये पैशन, मतलब आपको बेइंतहा इश्क होना चाहिए अपने काम से। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।